तुमने मुंह लटकाया हुआ है, तुम्हें पता तो है यार तुम हमारे घर में मुसीबत ही बन के आए हुए। खुदा का वास्ता यार मैं तंग आ गया उस घर में। तुम्हारी बीवी ने गैब हो जाए ना तो तुम्हें पता लगे कि मुंह कैसे बनता है। शुक्र है मेरी बीवी को तो 2-2.5 साल हो गए। मुबारक हो यार। मुबारक क्या, तुम्हें नहीं पता मैं सोच रहा हूँ। मेरे दोस्त है वो है वाकेंड में। अच्छा, उसने भी नई शादी की है। उसकी बीवी उसके ऊपर बहुत शक करती है। अच्छा, तो शक करती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन मैंने भी कहा है तू टेंशन ना ले, मुझे एक बार लेके जा, मैं भाभी को बताऊंगा कि भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो सिर्फ आपका है। अच्छा, हाँ वेरी गुड, शादी थी। हाँ, क्या बात है। अगर तुम्हारी बीवी मिल जाए तो मुझे लेके जाना, मैं उसको थोड़ा सा गाइड करूंगा, इंशाल्लाह वो तुम्हारे साथ गाइड ही करना। अच्छा करूंगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही वो दोनों चड़ेले कहाँ चली गई हैं। वो चड़ेले नाम लेता क्यों, तो आ गई है वो ना। सारा को आपको पता चला है? सारा क्या है? सारा को तो ये सारा का हमें पता होता तो मुझे वहीं पे छोड़ के आ गई हो। उसका बाप आ गया। बाप आ गया? उसका बाप आ गया? प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं आ गई बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है कि मैंने उसके गम में 3 फेंटा की बोतलें पी ली है। शाजी भाई से पूछ लो। हाँ, इसने 3 पी, एक आज मैंने भी पी है। बड़ी मजे की थी, मीठी बड़ी। शाजी मुझे छुपा ले। अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे, मैंने आपकी बेटी को कहीं गायब नहीं किया, इस बंदर के मुंह वाले ने गायब किया, इससे मुझे बाहर में जाओ तुम लोग मेरी बला से। मुझे ये बताओ तुमने मेरी बेटी कहाँ गायब की है? सुसर जी मुझे तो आपकी कसम है, मैंने तो कल से उसे देखा ही नहीं है। मुझसे तो कसम ले ले, मैंने तो उसे देखा ही नहीं है। मुझे तो अभी 2 दिन हुए हैं आए हुए यहाँ। अब मुझे भी माफ कर दे, मैं आपके पांव पकड़ता हूँ जी। पांव नीचे है। मैं भूल गया था, टेंशन ले रहे। सुसर जी मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। मुझे मेरी बेटी कहाँ है? वो आपकी बेटी है, आपको पता होगा ना। मुझे क्या पता, तुम लोगों को पता है, तुम लोगों ने गायब की है। आपने उसकी परवरिश सही की होती तो हमें पता होता ना जी। सुसर जी यकीन करें मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मैं वो कितना बुरा दिन था जिस दिन ये हमारे घर आया। वो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। जान से मेरे को इस पर छोड़ना, जान से मार के पता कितना बुरा लगता है जी। तेरे ऊपर भी मुझे पूरा यकीन है। अच्छा जी, तू भी पूरे मुलव्वस है इसका। अच्छा, पार्लर की बातें कर रही हो, लगता है तुम भी इसमें मुलव्वस हो। मेरी बात सुनो, पार्लर कहाँ गई होगी? करीबन 3 दिन से ये बंदा फ्लैट से आगे पीछे से घूम घूम के आ रहा, तो अभी तक पार्लर से नहीं आई। वो क्या अपने बाल? वैसे शाजी, अरे बकवास बंद करो, आप शुरू करें। शाजी वैसे मेरा ससुर बुरा लगता है। आप अपने घर फोन करके पता करें, शायद वहां पहुंच गई हो। फोन भी कर लेता हूँ, फोन कौन सा मुश्किल है। हेलो शर्फू, सारा बेटी घर आई है? अच्छा ठीक है, नहीं आई मेरी बेटी अभी तक घर। मुझे तो लगता है वो चिड़िया घर चली गई होगी, अगर उसने जाना ही था तो मुझे साथ ले जाती ना। जरा भी शर्म नहीं है तुम लोगों में, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। तुम लोगों को मजाक सूझ रही है, कहीं तुम लोगों ने जायदाद की लालच में मेरी बेटी को कत्ल तो नहीं करवा दिया? आप ऐसा करें, आप आराम से यहाँ बैठे, आपकी बेटी मिल जाएगी, मैं उससे ढूंढ के लाऊंगा। जैन तुम आओ ना मेरे साथ, आप दोनों यहाँ बैठो। सारा कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? तुमने ये जो मुझसे वादे किए थे, जो कसमें खाई थी झूठी, मुझे छोड़ के चली गई। तब तो मेरी आंखों से
आंसू भी आना बंद हो गए। मुझे तो लगता है थोड़ी देर तक खून आना शुरू हो जाएगा। वालेकुम सलाम सर। सारा कहाँ है? मुझे पता था, मैं तुमसे पूछता। वो सर उसने मेरे पैसे देने थे। पैसे? हाँ। कितने पैसे देने? 550। 550? मैं समझे बड़ी रकम है। और सारे इतनी महंगाई है, 550 को 2 लीटर पेट्रोल आ जाता है। ओए इसका मतलब है कि मेरी बीवी से महंगा पेट्रोल है? ओए तू तो 550 के लिए परेशान है। मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैंने घर भी जाना था। ओए मेरी तो सारी की सारी बीवी गायब हो गई है। वो कैसे? ओए मुझे क्या पता कैसे, इधर बैठी बैठे वो वहां से छुप गुम हो गई। मेरी बीवी के लिए कोई दुआ कर। सारा कहाँ चली गई हो? मतलब मेरे 550 रुपया नहीं मिलेगा? ओ यार सब मिलेगी तो तुझे 550 भी मिल जाएगा, अगर ना मिली तो फिर 550 का मैं कफन लेके आऊंगा। सारा ये मैं क्या सुन रहा? कव्वाली सुन रहा? कव्वाली नहीं सुन रहा। तो फिर लोग गीत सुन रहे होंगे? लोग गीत भी सुन रहा है। तो फिर रैप सुन रहे होंगे? ओए रैप नहीं सुन रहा। ओए उल्लू के पट्टे मुझे ये बता, वो तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? तुमने मरियम को 2000 दिया था? ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई जो आपका खाई। क्या हो गया? मैंने 2000 रुपए के दे दिए, हर बंदा मेरी जान को है। क्या हुआ मैंने 2000 रुपए दे दिया तो? यही तो तफ्तीश कर रहा हूँ ना, ये 2000 आया कहाँ से तुम्हारे पास? मैंने तो तुम्हें 6 महीने की तनख्वाह ही नहीं दी। अब लगा ना पता, आपने तनख्वाह नहीं दी 6 महीने से, ये कहाँ से आए? चलो मैंने यही कहीं से इकट्ठे कर लिए हैं, तो आपके पेट में क्यों मरोड़ पड़ रहे हैं? पेट वाली बात नहीं है, मरोड़ वाली बात नहीं है लाडले। मुझे ये बताओ कि तुमने 2000 उसको दिया क्यों, और ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? इसका मतलब है तुम्हारे पास और भी कुछ होंगे पैसे। टिप टिप इकट्ठी करके मैं आप इस वजह से टप रहा हूँ। टिप क्या मतलब? मैंने यहाँ होटल खोला। बड़े बड़े आपके पास तो आते है ना सारे अमीर लोग, सारे को आपकी तरह गरीब तो नहीं है ना, वो मुझे टिप दे जाते हैं। अच्छा इसका मतलब है कि तुमने वो टिप 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 इकट्ठी की, और वो 2000 तुमने छोड़ के तुमने उसको दे दिया। बड़ी हमदर्दी है तुम्हें। मैंने इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट क्या? तुमने वो प्लाट खरीद लिया है या कोई तुमने मकान खरीद लिया है? वो मुझे इसका 2 का 4 देंगी 4। हिम्मत कैसे हुई मरियम को 2000 देने की? वो ATM इजाजत देता था ना। हाँ
हम तो तुम्हें इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? पहले ये बताओ, तुम्हें तो महीने के एंड में तनख्वाह मिलती है। हाँ वाकई आपने सही कहा, आए कहां से? आप लोग तो देते नहीं है तो ये आए कहां से? ये जो जो आया गया है ना, वो जाते जाते मुझे 5-10 टिप दे जाते हैं तो मैं चुप करके जेब में रख लेता हूँ। बड़ी मुश्किल से टिप टिप करके मैंने इकट्ठे किए हैं। अच्छा मुझसे लेकिन आप रहने दें, रहने दें, आपसे क्यों पूछो। मेरी अच्छी डील हो गई है उनसे, ऐसी डील हो गई है जिसमें फायदा ही फायदा। क्या डील होगी तुम्हारी? ये सीक्रेट डील है, अब हर किसी से मैं डिस्कस नहीं कर सकता। वाह वाह, तुम्हें पता है वो सबसे पैसे ले रही है। उमर से भी उसने पैसे लिए, शाजी से भी उसने पैसे लिए, सबसे वो पैसे ले रही है। पता नहीं किसके साथ क्या फ्रॉड करने लगी है। फ्रॉडी वो नहीं है, फ्रॉडी तो क्या मतलब है तुम्हारा? जो उसे फ्रॉडी कहते हैं। क्या मतलब? वो मैं मतलब मेरा कुछ नहीं, मैं तो लाडला हूँ, लाडला। चले जाओ यहाँ से, मेरा पहले ही दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारी ये बातें फजूल सुन के, और दिमाग खराब हो रहा है। मतलब मैं चुप करके चला जाऊं? हाँ चले जाओ यहाँ से। बुलाया तो बड़ी इज्जत है था। सब बिगड़े हुए हैं इस घर में, कोई नहीं मेरी सुनता, दिमाग खराब हो गया। हेलो जी, जी अंकल, मुझसे आप कसम लेने, मुझे कुछ पता नहीं है सारा का कहाँ है। सहारा मिल गया मुझे, मेरा मतलब है कि मुझे कुछ पता नहीं अंकल, यकीन करें उसका ससुर आया हुआ इतना लंबा है, मुझे तो डर लग रहा है। इतना खैर ही करें, वो कहते हैं बाढ़ में जाओ तुम लोग। मैं क्यों बाढ़ में जाऊँ, मैंने तो इतनी मुश्किल से ये घर बनाया है। देखिए वो सुनैना ने मुझे ये घर दिया है, वो उसकी बहन मेरे साथ रहती है, हम लोग तो इतनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, ये आके टपक गए यहाँ पे जहन का बच्चा, इसने हमारा जीना आराम कर दिया। हेलो हेलो, फोन बंद है, बोल दूं अपनी एनर्जी खराब कर ली। या तुम यहां कैसे आए हो? मुझे सच बताओ सारा कहां है? शाजी भाई मुझे नहीं मालूम है। फिर वही बात, तुम बार बार मुझसे झूठ बोल रहे हो, और मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे ये बताओ कि सारा कहाँ है? ओए मुझे तो तुम्हारी जहनी हालत बिल्कुल खराब लगती है। ओए अल्लाह का वास्ता मुझे सच सच बताओ, मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। ओए मैं कौन सा जुर्म कबूल कर लूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं। वैसे भी शाजी भाई तुम्हें पता है मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ, दिल तो करता है मुक्का मार के तुम्हारा मुंह आगे पीछे कर दूं। ओए कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि ये ठरक पूना खत्म कर दे, एक अच्छा इंसान बन जा। ओए तुम्हारा ससुर इतना लम्बा है, उसने तो मुझे एक किक मारी, मैं तो मंदिर से रवाज पहुंच जाऊंगा। अरे शाजी भाई इस मुश्किल में तुम मेरा साथ दो। साथ दूं मैं तुम्हारा? जाकर मेरे ससुर को कुछ समझाओ। मैं क्या समझाऊं, मुझे तो उससे डर लगता है, बड़ी मुश्किल से उससे जान छुड़ा के मैं आया हूं। या अल्लाह खैर क्या करूं। ठीक है आप जल्दी से आ जाए। सुसर जी कुछ पता चला सारा का? बेटा थोड़ा सबर करें, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो अपना जासूस भिजवा रहे हैं, उस जासूस का रिकॉर्ड है, वो जमीन के अंदर से भी बंदा निकाल देगा। लेकिन कुछ नहीं है, पुलिस आएगी वही अपना काम सारा करेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता, हटो पीछे। बड़े गुस्से में मेरे ससुर जी, या अल्लाह मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकालना। एक तो मेरी बीवी का कोई पता नहीं है, और ऊपर से ये खरनूस ससुर मेरे गले पड़ गया, या अल्लाह बचाना मुझे। बाजी तुम देखना मैं इतनी बहुत बड़ी स्कॉलर बन गई,
हाँ हाँ मुझे पता है तुम हमारे मुल्क का नाम और माँ बाप का नाम और अपनी बहन का नाम रोशन करोगी। बात सुन, एक चाय जूस मिल जाएगा। हैं जूस? मेरी प्यारी बाजी। अच्छा चलो मैं लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो, आज तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी। ये क्या है? मैडम बैग में तो छुरियां मिली हैं, किताबें तो नहीं है। फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी कैसे? अरे लाख रुपया ले रहे हो और किताबें भी नहीं दे रहे हो। अब्बा को मैं फोन करके बताऊंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी किताबें मंगवा लेती हूँ शाजी भाई को बोल के। जब तक आप टीवी पे मुझे कोई अच्छा सा प्रोग्राम लगा दें ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं और एक साथ फ्रेश जूस भी मंगवा दें। तो जूस तो मैंने अपने लिए मंगवाया है। बेटा सभी यही कह रहे हैं कि मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी, पता नहीं ये मेरी बेटी कब मिलेगी। मैं कह रही हूँ ना मिल जाएगी, आप टेंशन मत ले। अच्छा मिल जाएगी मेरी बेटी। बेटा आप ऐसा करो ना, एक पैनाडॉल की गोली और एक गिलास पानी मुझे ला के दो, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। ठीक है बेटा। दिल दी गले दिल ते ते आए ऐसे वाच ते तेरा दर खड़काए, वरना त शहर दे विच सोने हजार पे विक दे बाजार पे सारे दिल दी दे दे। लाडले मैंने तुमसे एक बात करनी है। बीबी जी बड़ी बात है, आपको मुझसे काम पड़ गया है, वो गम कर रहे हैं, वो गम कर रहे हैं। लाडले मुझे 2000 रुपया चाहिए शाम तक, प्लीज इनकार मत करना, मैं वापस दे दूंगी। 2000? बीबी जी ये क्या हुआ, मेरी याददाश्त गुम हो गई है, आप कौन है, इतनी बड़ी रकम आप क्या करेंगी बीबी जी, आप मुझसे मांग रही हैं, मुझे शर्म आ रही है। लाडले मुझे तुमसे मांगते हुए शर्म आ रही है, लेकिन शाम को मैं 4000 रुपया दूंगी तुम्हें, ठीक है? वाकई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। डील तो अच्छी है पर भूलना मत, बदले में आपने मुझे 4000 देना है। हाँ हाँ सही कह रही हूँ। ठहरे, मेरा ATM इस जेब में है। थैंक यू लाडले। अजीब जमाना है, नौकर से मालक मांग रहे हैं। It's a very crazy, crazy, crazy. I hope I can.
बीबी जी सुना है आप करोड़पति हो गई है, इचाना भूलिएगा मैंने भी 2000 इन्वेस्ट किया है। हाँ लाडली तुमने बिल्कुल सही सुना है, सब मुझे मशवरे दे रहे हैं, तुम इधर लगाओ अब बस तुम बताओ मैं क्या करूँ। बीबी जी मैं तो कहता हूँ आप अपनी सारी रकम मुझे दे दें, आप नहीं जानती जालम समाज को मैं जरा कबर कुवर कर लूंगा। क्या जी आप ये बात मुझ पे छोड़ दें, मुझे खतरों से खेलने की आदत है, इसीलिए लोग मुझे कहते हैं लाडला बड़ा खतरों का खिलाड़ी है। आप सोच लें ये बाकी लोग आपका सारा पैसा अड़प कर जाएंगे, एक मैं ही हूँ जो आपकी रकम की हिफाजत कर सकता हूँ। जाओ तुम पहले अपना काम करो, बाद में मेरे पैसों की हिफाजत करना, बड़ा आया। चलें ठीक है आपकी मर्जी, बगल मैं आपके लिए ना गरम गरम चाय बना के लाता हूँ, लेकिन 2000 मेरा हिसाब ही है, भूलिएगा नहीं, मैं लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन हो भाई? मेरा नाम है मुश्ताक। मैं तो आपको नहीं जानता, कौन सा मुश्ताक? मुश्ताक जासूस नाम है मेरा। अच्छा अच्छा, मैंने ही आपको बुलाया था। लेकिन मुझे क्यों बुलाया है? मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि मेरी बेटी कल से गायब है और मुझे उसके मियां पर और उसके सारे रिश्तेदारों पर शक है, मिलके सबने मारा है मेरी बेटी को। जब वो गायब हुई थी तो आप कहाँ थे? मैं अपने घर था। इस बात का क्या सबूत है कि आप घर पर थे? आप मुझसे कैसे सवाल कर रहे हैं? आपको मैंने ही बुलाया था और आप मुझसे ही सवाल किए जा रहे हैं। ओहो, जासूसी करना मेरा काम है, अब मैं सबसे अलग अलग सवाल करूंगा और उसके बाद मैं किसी नतीजे पर पहुंचूंगा। आप बैठें, आराम से मुझे सबके नाम बताएं, उसके बाद मैं देखता हूं कि मैंने अगला काम क्या करना है। जैन तुम्हारा नाम है? जी मैं ही जैन। अच्छा ओके आई सी। आप कौन है? मेरा नाम मुश्ताक है। मुश्ताक? कौन मुश्ताक? इस बात को छोड़ो तुम, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा और हर सवाल का सच सच जवाब देना तुम्हारे लिए इसी में बेहतरी है, और जवाब यस या नो में देना है। ओके। अच्छा ये बताओ अपनी बीवी से प्यार करते हो? जी जी। कभी ऐसा हुआ हो कि वो तुम्हें जहर से भी बुरी लगी हो? हाँ जी। इतनी बुरी लगी हो कि तुम्हारा दिल कभी चाहा हो कि उसको मार कर
दूसरी शादी करूं? हाँ बहुत बार। बस फिर क्या? बस ये मैं इंटरव्यू करने के बाद बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नईम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ओ यार तुम फिर आ गए हो। और नईम भाई आप तो नाराज ही हो जाते हो, आपसे एक बात करनी थी। पूछो। सारा को कोई पता ही नहीं चल रहा तो मैं क्या करूं? और नईम भाई एक जासूस आया हुआ है। कहाँ पे? घर में। अच्छा। वो सवाल करी जा रहा है सबसे। अल्लाह खैर ही करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम तो आपने सुना ही होगा, मुश्ताक नाम है मेरा। वो तो अभी ये बता रहा था मुझे। अच्छा आप मुझे ये बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं चकबेली खान रोड का रहने वाला हूँ। अच्छा तो यहाँ कब से हैं? यहाँ से मैं 6 दिन से हूँ। 6 दिन से। और तुम कौन हो? जी मैं सलीम। कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं लय शहर का रहने वाला हूँ। ओहो यहाँ से कितने दिन हो गए यहाँ पे तुम्हें? जी मुझे 4 दिन हो गए। अच्छा आई सी। शाजी भाई आपको तो हाय हाय की पड़ी हुई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपको पता है सायरा के बाप ने ना एक जासूस बुला लिया है। हाँ वो तो मुझे पता है जासूस ने बुलाया है। अब क्या होगा? शाजी भाई आप ऐसा करें, हमें ना 3-4 दिन के लिए मरी बेटे खाला के घर, जब तक वो जासूस चला जाएगा थोड़े से मामला ठंडे हो जाएंगे, हम वापिस आ जाएंगे दोनों। ये तो चले लो, तुम दोनों वहां भरी जाके मजे करो। और वो बिच्छू के मुंह वाला मुझे यहाँ पे काटे क्यों भाई? मेरे बारे में तो आप तीनों ने सुन लिया होगा, लिहाजा बगैर जाया किए हुए टाइम मेरे सवालों का जवाब देना शुरू कर दो। सवालों के जवाब देने पे क्या इनाम मिलेगा? हाँ हाँ भाईजान बताएं कि क्या इनाम मिलेगा। जी जी मुश्ताक साहब बताएं क्या इनाम मिलेगा। वाटर कूलर निकलेगा हमारा। मैं कोई जीतो पाकिस्तान का यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। पहला सवाल मेरा ये है कि आप तीनों का सारा के साथ क्या ताल्लुक था? बस गुजारा ही था, मुझे तो उसको बुलाने को भी दिल नहीं करता था। ये देखिए कितनी मासूम है मेरी मेरी साली और ये होने वाली, समझा करें। जी जी सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा उसका किसके साथ होता था? उसका ना अपने मियां के साथ झगड़ा होता था, और किसके साथ होना था? ये बिल्कुल ठीक है नहीं। अजी अच्छा शाजी तुम मुझे सारा के बारे में कुछ बताओ। उफ मैं तो बहुत ही तंग था, मुझे कभी कहती है ये ला दो, कभी कहती है वो ला दो, कभी कहती है वो ला दो। मैं मालक ना हुआ नौकर हुआ इस घर का, ठीक है ना? हाँ शाजी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी झूठ तो शाजी भी ने कभी बोला भी नहीं है। जी, जी। इनके सर की कसम। कभी उसे मारने का दिल किया? नहीं नहीं इतना भी मैं जालिम नहीं हूँ, मेरा थोड़ा थोड़ा दिल करता था। मेरा तो दिल ये करता था कि मैं उसे चूहे मार गोलियां दूं। हमने तो कभी छिपकली भी नहीं मारी, उसे क्या मारेंगे? हाँ मैं तो किचन में कॉकरोच को देख के डर जाती हूँ। जी जी हाँ जी ये वो साथी है, बड़े मासूम है, ये ऐसी नहीं है मुश्ताक साहिब। नहीं वो तो मुझे आप तीनों की शक्ल देखकर ही लग रहा है कि आप लोग कितने सादे हैं। देखें मुश्ताक साहब ये तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ये 3 तस्वीरें हैं, ये तीनों हमारी अपनी हैं। ये देखें एक तुम रख लो ये देखें ये तो मेरी इंक्वायरी होने के बाद ही पता चलेगा ना कि आप लोग कितने दीनदार और नमाजी परहेजगार हो। देखें मुश्ताक साहब ऐसा मत करें प्लीज, मैं आपको ना इसके बदले ना आपको 3 डब्बे हमारे पास बहुत कचरा इकट्ठा हुआ मैं आपको दे दूंगा, वो आप साथ ले जाइएगा। मैं तुम्हें कचरे वाला और 3 डब्बे वाला लग रहा हूँ? मेरे पास इजाफी सामान पड़ा हुआ था इसलिए मैं कह रहा था। मैंने भी काफी सारी चीजें निकाली जो मैं इस्तेमाल ही करती हूँ, परफ्यूम की खाली बॉटल्स भी हैं। हाँ जी और मैं अच्छे अच्छे अपने कपड़े सारे बेच के आपको पैसे दे दूँ। जी जी पैसों की बात तो ठीक है लेकिन ये परफ्यूम की खाली बोतलों का मैं क्या करूँगा? वहाँ पे ना वो होते ना कचरे वाले उनके आगे भेज के ना पैसे इकट्ठे कर लीजिएगा, वो कागज शागज लेते हैं। थैंक यू। अब मुश्ताक जासूस
कचरे की दुकान पे जाके कचरा बेचेगा। मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा हम ऐसा करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, सोचे कुछ बोलते हैं मुश्ताक साहिब, मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको ना दो तीन बाथरूम खुलवा के दे देता हूँ और वहाँ पे अच्छे प्राइवेट लगेगा आपका, 10 रुपए 20 रुपए बड़ा काम चलता है। देखिए प्लीज उधार लगा दो। शादी में बिल्कुल ठीक है। मैं अभी जाता हूँ। बीबी जी जब पुलिस आएगी ना वो सबको अंदर के करेगी। दोबारा बोल। आपने अपनी बेटी को समझाना था ना कि जैन क्या, मुझे तो लगता है वो चिड़िया घर चली हो गई। चली गई ठीक है। और साथ शट अप। ओए मैं नूरा बाई का बेटा हूँ। मैं कुछ नहीं जानती अभी सॉरी। जब तक आप मुझे कोई टीवी पे अच्छा सा प्रोग्राम लगा दें और एक साथ फ्रेश जूस मंगाते हैं ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं। जूस तो मैंने अपने लिए मंगवाया। दोबारा शाह भाई इसकी बात मत। अरे लाख रुपया ले रहे हो और किताबें भी नहीं दे रहे, अब्बा को मैं फोन करके बताऊं। मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको ना दो तीन बाथरूम खुलवा के दे देता हूं और वहां पे अच्छे प्राइवेट लगेगा आपका, 10 रुपए 20 रुपए बड़ा काम चलता है। देखिए प्लीज उधार लगा दो। शादी में बिल्कुल ठीक है। हां आप पीछे खासी तैयार लग।